सिद्धांत और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर दीपिका। वेलकम मैम। कैसे हैं आप? डॉक्टर दीपिका ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं डेफिनेट क्योर में। डेफिनेट क्योर एक लेजर एंड लैप्रोस्कोपिक सेंटर है। मैडम, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, इसे आम भाषा में लोग रसौली भी कहते हैं और लोग फाइब्रॉइड कहते हैं इसे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फाइब्रॉइड क्या होता है। फाइब्रॉइड एक फाइब्रोमस्कुलर सॉलिड ट्यूमर है जो यूट्रस की वॉल में होता है। इसको हम कभी कभी लियोमायोमा, मायोमास, फाइब्रॉइड्स और हिंदी में रसौली या गांठ, जिन्हें हम यूट्रस की बच्चेदानी की गांठ बोलते हैं। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता करें कि ये फाइब्रॉइड्स है? मोस्टली सिम्टम्स तो ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उस अल्ट्रासाउंड में उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चेदानी में गांठ है। पर फिर भी 50-60% पेशेंट्स में के अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, मेंसेस होते हैं या फिर पेन होता है, पेन, डिस्पेरोनिया, डिसमेनोरिया, कहने का मतलब पीरियड्स में पेन होना या फिर अनियमित, मतलब अनियमित तरीके से पीरियड्स आना। मैडम, ये फाइब्रॉइड्स का कॉज क्या होता है, किस वजह से होता है ये? फाइब्रॉइड्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, ये मोस्टली हार्मोन रेगुलेटेड होता है। जो भी फीमेल्स चाइल्ड बियरिंग एज में, मतलब जो बच्चे जिनको प्रेग्नेंट हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, 20 साल से 40 साल की उम्र की फीमेल्स को हॉर्मोन्स की समस्या की वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये मोस्टली छोटे साइज के होते हैं तो उनके लिए कुछ करना नहीं होता, जो बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, तो क्या ऐसा है कि मतलब फाइब्रॉइड कैंसर हो सकता है या नहीं? फाइब्रॉइड्स 99% मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, कहने का मतलब कैंसरस नहीं होते हैं। मोस्टली ट्यूमर्स जो डेवलप करते हैं वो ओनली 1% केसेस में ही होते हैं, जिन्हें हम लियोमायोसारकोमा कहते हैं। ओके, और इसे पता कैसे चलता है कि हाँ, जैसे मान ली कोई पेशेंट आते हैं, कोई महिला आती है आपके पास, तो कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे मालूम चलता है? अक्सर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं मोस्टली अल्ट्रासाउंड करा कर आते हैं, और जो पेशेंट करा कर नहीं आते हैं उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो बहुत ही बेसिक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है। अदरवाइज हम जब पेशेंट ओपीडी में आता है हमारे पास, पहली बार जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, चेकअप करते हैं, तो उसमें भी कई बार जो बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं वो एग्जामिनेशन पर पता चल जाते हैं। इसका इलाज क्या है, कैसे हो सकता है, कोई अगर इलाज कराना चाहे तो? फाइब्रॉइड्स का इलाज, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो फाइब्रॉइड्स 4 सेंटीमीटर से छोटे हैं उसका हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, और जो 4 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उनका ट्रीटमेंट सर्जिकल होना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में भी दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकलवाइए या फिर पूरा यूट्रस निकलवाइए। सिर्फ फाइब्रॉइड्स निकालने के लिए भी दो ऑप्शंस हैं, ओपन एंड लैप्रोस्कोपिक, एंड यूट्रस रिमूवल के लिए भी दो ऑप्शंस हैं, लैप्रोस्कोपिक एंड ओपन। बहुत इट डिपेंड्स कि पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को बच्चे चाहिए, बच्चे की पेशेंट की प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, फैमिली एंड पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट्स की एज क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स प्रोफाइल। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड एवरी ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी पेशेंट इन अ फैमिली। हाँ मैडम, थोड़ा सा लैप्रोस्कोपी जो हिस्टेक्टोमी का एक वर्ड होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर, थोड़ा इलैबोरेट करें। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी का मतलब होता है कि जो यूट्रस रिमूवल, मतलब हिस्टेक्टमी माने यूट्रस रिमूवल, जिसे हम लैप्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। इसमें हम पेशेंट के सर्जरी पे बिना पेट काटे, बिना चीरा लगाए, सिंगल 2-3 छेद से ही किया जाता है, जिसमें पेशेंट को पेन कम होता है, निशान कम आता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है और पेशेंट जल्दी घर चले जाते हैं। अच्छा मैडम, एक कई लोग ऐसे हैं उनको मतलब फाइब्रॉइड तो होता है और वो लोग इलाज नहीं कराते हैं, तो क्या स्थिति पैदा होगी जब कोई इलाज इसका ना कराएं, क्या समस्याएं हो सकती हैं बाद में? अक्सर फाइब्रॉइड जिन महिलाओं को होता है उनको अक्सर ज़्यादातर एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब ज़्यादा महीना आने की शिकायत होती है, या फिर अनियमित महीना आना, या फिर पेशेंट की मैरिज हो चुकी है, कई साल हो जाते हैं शादी को, बच्चे नहीं हो रहे, तो ये सारी समस्या होती हैं जो पेशेंट्स नज़रअंदाज करते जाते हैं। और कई किसी किसी केसेस में वो फाइब्रॉइड इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें फिर वो लैप्रोस्कोपिक द्वारा भी संभव नहीं होता यूट्रस या फिर फाइब्रॉइड्स को निकालना। अच्छा, आप देखिए कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, हम उसे चाहते हैं कि बिना
सर्जरी के ठीक हो जाए, तो क्या बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है क्या? मेडिकल मैनेजमेंट्स अवेलेबल हैं, बट बड़े फाइब्रॉइड्स के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि मेडिसिन से फाइब्रॉइड छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो साइज में 50-60% डिक्रीज हो जाएंगे, बट ओनली फॉर सम टाइम्स, बिकॉज द मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल फॉर फाइब्रॉइड्स इज ओनली फॉर 3-6 months, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 3 months देन आई वी हैव टू रीस्टार्ट द मेडिसिन, बिकॉज कंटिन्यूस मेडिसिन भी हम किसी पेशेंट को नहीं दे सकते। मेडिसिन देने के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करने होते हैं। पेशेंट्स जो अपनी दवाइयाँ खुद से लेते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स हम ये मेडिसिन खा लेंगे और हमारे फाइब्रॉइड छोटे हो जाएंगे, सो वो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैडम, इसकी सर्जरी के दौरान जैसे कोई अगर पेशेंट इसका इलाज करवाना चाहता है, तो क्या कोई समस्या पैदा होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है? ज़्यादातर तो फाइब्रॉइड्स जब हम रिमूव करते हैं पेशेंट्स के, तो समस्या कुछ नहीं होती है, सिवाय एक समस्या की जो हम पेशेंट को पहले से ही समझा के चलते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, या फिर किसी किसी पेशेंट में जब बहुत सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं, या फिर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर बहुत ही कम परसेंट पेशेंट्स में यूट्रस रिमूवल की भी ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट की जान बचाने की। किन लोगों में यूट्रस रिमूवल की रिक्वायरमेंट होती है, और किन लोगों में हम यूट्रस को बचा सकते हैं? मोस्टली दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, हम पहले उनकी बात करते हैं जिनमें हमें यूट्रस निकालना चाहिए। यूट्रस निकालने वाले पेशेंट्स में पहले नंबर पे पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, जिनकी फैमिली कंप्लीट है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर एनीमिया है, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, या फिर फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हैं कि उनको कंप्रेशन सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे उनको यूरिनरी सिम्टम्स हैं, उनको ब्लैडर सिम्टम है, बाउल सिम्टम्स हैं, या फिर उसकी वजह से वो अपने नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं। और जिनमें हम बचा सकते हैं यूट्रस सर्वाइव, मतलब यूट्रस ना निकालना पड़े, वो मोस्टली वो पेशेंट्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो यंग पेशेंट्स होते हैं, या फिर अनमैरिड गर्ल्स होती हैं जिन्हें फ्यूचर में बच्चे चाहिए, हम उनके फाइब्रॉइड्स को लैप्रोस्कोपी द्वारा निकालते हैं। मैडम, मुझे एक बात बताएं, कोई यंग फीमेल है, और क्योंकि यंग फीमेल ज़्यादा दिन तक मेडिसिन नहीं कंटिन्यू कर सकती हैं, और वो चाहते हैं कि सर्जरी भी ना करें, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? जी, अभी काफ़ी दिनों से एक वर्ड आपने सुना होगा, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल के सेटिंग में किया जा सकता है, जो कि मोस्टली यंग गर्ल्स या फिर यंग फीमेल्स जो भी रिसेंटली मैरिड हैं, या फिर जिनको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वो पेशेंट जिनको हम लंबे टाइम तक दवाइयाँ नहीं दे सकते, या फिर यूट्रस भी नहीं निकाल सकते, वो पेशेंट लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी भी नहीं करा सकते क्योंकि फाइब्रॉइड्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उन पेशेंट्स के लिए एक वर्ड आया, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का इंसीजन के द्वारा, छोटे से इंसीजन से, हम उसकी यूट्राइन आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं जो फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करती हैं। जैसे ही वो फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ का ब्लड स्टॉप हो जाएगा, तभी उसकी सिंक्रेज हो जाती है, फाइब्रॉइड्स का साइज स्मॉल हो जाता है, ब्लीडिंग की समस्या भी कम हो जाती है। बट उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स उस ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑप्शन के बाद काफ़ी पेन कंप्लेन करते हैं, डिसमेनोरिया होता है, कुछ पेशेंट्स में काफ़ी इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, बट हाँ, उनकी एनीमिया, उनकी ब्लीडिंग की समस्या कम हो जाती है डेफिनेटली। बट हम ये नहीं कह सकते कि उस ट्रीटमेंट से पेशेंट 100% ट्रीट हो जाएगा, बट यस, 60-70% गेट ट्रीटेड एब्सोल्युटली। मैडम, एक चीज़ और बताएं, आपने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, एक बताएं कि लोग जैसे जिनको सर्जरी आपने एडवाइस किया है, तो क्या कॉस्टिंग आती होगी उनको इलाज कराने में? कॉस्टिंग डिपेंड्स कि पेशेंट किस प्रोफाइल का है, पेशेंट किस तरह से सर्जरी कराना चाहता है, पेशेंट लैप्रोस्कोपिक चाहते हैं, या फिर ओपन सर्जरी चाहते हैं, या फिर वजाइनल हिस्टेक्टमी चाहते हैं। सर्जरी की कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट प्रोफाइल एंड द डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पेशेंट वांट्स, द कॉस्ट ऑफ सर्जरी डिफर अकॉर्डिंग टू दैट। डॉक्टर दीपिका ने सारे सवालों का जवाब दिया, और इसके बावजूद भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे हैं, या आप हमें कॉल करें, मैडम उसका जवाब देंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम।